है Xiaomi का सस्ता तरीन 5G फ़ोन। ये प्राइस आपने पहले नहीं देखी होगी किसी भी 5G फ़ोन की। आपको पता है कि एक फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट दी जाती है तो उसकी प्राइसेस भी जो है वो हाई होती है उन डिवाइसेस की। मेरे पास है अभी Redmi Note 10 5G। ये Xiaomi का सबसे सस्ता 5G फ़ोन है और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो मैं आपको बताते चलूं कि ये दो वेरिएंट्स में आ रहा है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इसकी जो प्राइस है वो है 33,999, है ना सरप्राइजिंग। और इसके अलावा इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है और उसकी जो प्राइस है वो 35,999, यानी कि 36,000 की प्राइस रेंज में आपको वो मिलेगा। और इसके अलावा ये Xiaomi ऑफिशियल सेल्स चैनल्स पे अवेलेबल है, लाइक दराज, मी स्टोर, टेक्सरत, स्मार्ट लिंक और एयर लिंक पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप ऑर्डर करवा सकते हैं तो आपको मिल सकता है। 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। बहुत सारी बातें करनी हैं तो हमने इसको करना है अब अनबॉक्स। बॉक्स को ओपन करते साथ ही हमें मिलती है इसकी सिम जैक पिन, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है और हमें इसका मिलता है बैक कवर। और तो अगर आप लगाना चाहते हैं, इसके साथ हमें मिलती है ये डिवाइस। इस डिवाइस के ऊपर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं। मीडिया टेक डायमेंसिटी 700 की इसमें चिपसेट है जो कि है एक 5G चिपसेट, 7nm प्रोसेसर विद डुअल 5G के साथ ये आ रहा है। 90Hz का रिफ्रेश रेट है, 6.5 इंच डॉट डिस्प्ले है और इसमें 48MP ट्रिपल कैमरा है, 5000mAh की बैटरी है विद 18W फास्ट चार्ज। इसके साथ है हमारे पास इसका चार्जर और ये जो चार्जर है ये 22.5W के चार्ज को सपोर्ट करता है, लेकिन फ़ोन जो है वो 18W के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। तो बैटरी बड़ी है तो अच्छी बात है कि आपको फास्ट चार्ज दिया गया है। और ये है इसकी चार्जिंग केबल जो कि है टाइप सी। तो अब हमने फ़ोन को देखना है तो इसकी लुक्स देखते हैं। यह है इसका बैक पैनल, मैट फिनिश लुक के साथ आ रहा है। बहुत खूबसूरत बैक पैनल है। आपको मिलते हैं 48MP AI ट्रिपल कैमरा और यहाँ पर आपको मिलती है Redmi 5G। यहाँ पर मेंशन है, ब्रांडिंग हुई है Redmi की। इसके साथ डिवाइस की वेट की बात करूँ तो जो वेट है वो मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है क्योंकि इसकी बिल्ट भी ऐसी है और साथ बैटरी भी इसकी बड़ी दी गई है। तो इसका जो बिल्ट है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, स्मजेस बिल्कुल नहीं बनते, ना ही स्क्रैचेस पड़ने का ख़तरा है, लेकिन कवर मौजूद है बॉक्स में। बॉटम पे आपको मिलते हैं लाउड स्पीकर, टाइप सी की पोर्ट। इसके साथ सबसे टॉप पे आपको मिलता है इसमें ऑडियो जैक और आपको आईयर ब्लास्टर भी मिलता है। और इसके साथ राइट साइड पे आपको मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम की। आप इसको एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। सेट कर लूँगी मैं, आपको दिखा दूँगी इसकी स्पीड। और आपको मिलते हैं लेफ्ट साइड पे इसकी सिम स्लॉट और ये है ट्रिपल स्लॉट, 128GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है। इसको मैंने ऑन भी कर लिया है तो हम इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको इसकी दिखा दी है फिंगरप्रिंट स्पीड के आपको कैसा मिलता है, कुछ ऐसी है स्पीड इसकी। ओके है, माइंड में ये रखिएगा कि इसकी जो प्राइस है वो एक मिड रेंज कैटेगरी वाली प्राइस रेंज है। तो आपको एक 5G चिपसेट तो मिल रही है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी देखनी है कि हमें और मज़ीद क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। डिवाइस को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का डॉट डिस्प्ले, मिडिल में आपको सेंटर में टॉप पे मिलता है इसका कैमरा और इसमें आपको 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मेरे हिसाब से ये कम है, थोड़ा ज़्यादा होता तो बेहतर होता, लेकिन सेल्फी में आपको चेक कराऊंगी। और आपको मिलता है यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन और आपको मिलता है IPS पैनल। ये एक्सपेक्ट मत करें कि आपको AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में अगर आपको 5G चिपसेट दे दी गई है और कुछ अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं आपको डिस्प्ले भी AMOLED दिया जाता। लेकिन यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट। तो आपको पता है कि परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। आपने स्क्रोलिंग करनी है तो आप इन्जॉय करेंगे, एक स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेंगी अगर आप गेमिंग करते हैं या अब और फ़ोन को यूज़ करते हैं। बाकी बेजल जो है वो बस इसके एवरेज हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि बहुत थिन है या थिक है, बस एवरेज है। चिन पे भी आपको एवरेज मिल रहे हैं और इसके साथ इसमें आपको मिलता है MIUI 12 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है। कैमरे की बात करते हैं तो 48MP इसमें मेन कैमरा है, 2MP मैक्रो और डेप्थ। तो कैमरा को डिटेल में हम रिव्यू में चेक करेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत सैंपल्स में डाल देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। डे लाइट में बस ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जहाँ तक सेल्फी की बात है तो सेल्फी कैमरा अगर थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर मैंने 8MP से सेल्फी ली है तो सेल्फी
बस ओके है जैसी होनी चाहिए। 8 मेगापिक्सल से आपको पता है कि कैसी सेल्फी आती है। इसमें आपको 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन फ्रंट पे मिल रही है और बैक पे भी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने नोटिस किया है, जो सेल्फी मैंने 2 सेल्फी ली है, एक मैंने बिल्कुल लाइट के सामने ली है, एक लाइट से थोड़ा सा हट के लिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा येलोइश सा पता नहीं पैचेस आ रहे हैं मेरे फेस पे, आई डोंट नो व्हाई। इसको मैंने डिटेल में चेक करना है रिव्यू में कि ये क्यों इस तरह हुआ है। जो चिपसेट है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G चिपसेट दिया गया है। तो इसमें हमने करनी है गेमिंग, इसमें कुछ और डिटेल्स भी हम बताएंगे, इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है हमने, ये तमाम चीज़ें हमने रिव्यू में चेक करनी है। तो अगर बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी विद 18W फास्ट चार्ज, टाइप सी भी दिया गया है इसमें। तो ये कुछ डिटेल्स हैं रेडमी नोट 10 5G डिवाइस की। मुझे क्या अच्छा लगा, अभी फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसकी बिल्ड बहुत अच्छी लगी, अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। बैक साइड पे इसके जो कैमरा सेटअप है ये बड़े अच्छा लग रहा है, और इसके साथ रेडमी की ब्रांडिंग 5G की ब्रांडिंग एक कूल लुक दे रहा है, अट्रैक्टिव डिवाइस है, अच्छी लुक्स है इस डिवाइस की। वन हैंड यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो ईजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लाइक स्ट्रगल करनी नहीं पड़ेगी। मुझे इसका डिस्प्ले भी पसंद आया, वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है, कलरफुल सा डिस्प्ले आपको दिया गया है, थोड़ी सी हैवी फील होती है बास टाइम, लेकिन हमने तमाम चीज़ें इसकी रिव्यू में चेक करनी है। आप बताएं आपको कैसा लगा Redmi Note 10 5G डिवाइस, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।